फ्रॉम क्लास दिस इज मी सरनस। अच्छा बेटा अब तक के हमने जो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है क्लास 2 का, तो बेटा क्लास 2 तमाम स्टूडेंट अपने एडिशन के टॉपिक को कवर कर रहे थे पिछले लेक्चर्स से। आज हमारे फोर्थ लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के सेकंड क्वेश्चन को ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया है। अब आपको इसके बाद एक मैं आपको समझा रहा हूं और आपको उसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको खुद सॉल्व करना है अपनी बुक्स में, ठीक है ना। तो आज इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। वर्ड प्रॉब्लम में आज हम बात कर रहे हैं एडिशन की। आपको लाइंस को पढ़ना है और समझना है कि बात क्या पूछी जा रही है। अब सबसे पहले आ जाए इस लाइन पर, वर्ड प्रॉब्लम की पेज नंबर 25 अगर खोलना चाहे तो बुक में अपने पेज नंबर 25 खोल लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम में लाइन लिखी हुई है, आयशा काउंट्स 24 बीड्स इन वन नेकलेस। आयशा के पास जो है एक नेकलेस मौजूद है जिसके अंदर 24 बीड्स पहले से मौजूद है। अब उसके पास एक नेकलेस है जिसमें 24 बीड्स है और आगे लिखा हुआ है एंड 62 बीड्स इन अनदर। अब 62 बीड्स जो है वो एक और में है। मैंने आपको कहा था हमें वर्ड प्रॉब्लम में एडिशन के अंदर दो डबल डिजिट चाहिए होंगे। डबल डिजिट का मतलब इसमें दो नंबर हो एक डिजिट में। अगर पहला हमें मिल गया डबल डिजिट 24 का आपके पास आपने लिख दिया यहाँ पर 24, आपको पहले डबल डिजिट मिल गया और एक बॉक्स के अंदर सिर्फ एक नंबर लिखना है, ठीक है। एक बॉक्स में एक नंबर आना चाहिए। 24 आपने लिख दिया, आपको पहला डिजिट मिल गया। आगे लिखा हुआ है 62 बिट्स इन अनदर। एक और नेकलेस है जिसमें 62 बिट्स है। अब 62 बिट्स को आप जो है नीचे लिखेंगे 6 एंड 2। सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, लाइन जो है हमेशा नीचे वाले लाइन से मैच होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रेट रखें इसको, ओके। अच्छा बेटा 62 के बाद अब आपके पास 24 और 62 नंबर आए हैं जिसको आपको ऐड करना है, तो आपको क्या पता चलेगा, हाउ मेनी बीड्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो दोनों नेकलेस के अंदर टोटल कितने बीड्स हैं ये आपको इससे पता चल जाएगा। अब आप देखेंगे तो 4 प्लस 2 जो है आपका आंसर देता है कितना, जल्दी बताइए बेटा। 4 में 2 प्लस करना है 4 5 6, आपको दो बीट्स और शामिल कर दिए तो 6 डिजिट्स आपके इसमें आ गए। आपको मैंने कहा था एडिशन हमेशा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एडिशन आप कर सकते हैं। तो एडिशन में हमें 4 प्लस 2 का आंसर आया आपका 6। अब 6 को आपने जब यहां पर मेंशन कर दिया तो इसके बाद अब आपका सेकंड डिजिट का काम रह गया, ये लिख दिया आपने 6। अब आप आ जाए 2 प्लस 6 डिजिट आपके मौजूद है, आप उसके अंदर 2 और ऐड करेंगे 7 और 8, तो आपके पास 6 प्लस 2 हो गया 8। 86 इज योर राइट आंसर। ये आपका लास्ट आंसर हुआ, यानी कि आपको फाइनल आंसर आया वो 86 बीड्स है आर ऑल टुगेदर, यानी कि टोटल 86 बीड्स है नेकलेस के अंदर जो कि आयशा के पास दोनों नेकलेस मौजूद है। तो बेटा ये जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन था। अब आपको अपना जो है थर्ड जो कंप्लीट करना है वो आपको उसका आंसर निकालना है खुद और बुक के अंदर सॉल्व करके रखना है। अगर कोई मिस्टेक हो या कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक दफा चेक करिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। अपनी अटेंडेंस लगाना नहीं भूलिएगा, तमाम स्टूडेंट अपने कमेंट्स में जाके अच्छे बच्चों की तरह बेटा अटेंडेंस में नाम लिख दें और कमेंट्स में अपना कंप्लीट नाम मेंशन कर दें। अच्छा बेटा एक चीज और आप लोगों की, अब आपको पता है आपके लेक्चर 4 तक आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, कुछ टॉपिक जो रह गए हम उसे आगे फर्दर बाद में डिवाइड करेंगे। लेक्चर्स आज आपके खत्म हो चुके हैं, अब अपनी वर्किंग आप सुन लीजिए। अब आपको जाना है अपने हाफ ईयरली प्रिपरेशन पे। तो बेटा प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सुन लीजिए, आपको अपने हाफ ईयरली पेपर्स की तमाम कॉपीज का काम कंप्लीट करना है, जितने क्वेश्चन समझा दिए ये और जितने आपको क्लास वर्क में पहले समझाए थे वो कंप्लीट करके 5 दिसंबर डेट बता रहा हूँ आपको, 5 दिसंबर यानी कि आज के लेक्चर के कुछ दिन बाद आपको 5 दिसंबर तक अपनी कॉपी स्कूल लेकर आनी है और सबमिट करानी है चेकिंग के लिए, ताकि आपकी कॉपी चेक हो जाए। 12 से जो आपके 12 और 11 से जो आपके डेट्स आपके टाइम टेबल आपको मौजूद है उसी टाइम टेबल से आपका पेपर लिया जाएगा और उसी के हिसाब से पेपर होगा। अच्छा हाफ ईयरली पेपर का सुन लो बेटा, आपके ऑनलाइन पेपर आपके गूगल क्लासरूम पर होंगे जिसके लिए आपको गूगल क्लासरूम की आईडी चाहिए और इस दफा जो पेपर होंगे बेटा आपके पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेपर होंगे। अपने पेरेंट्स को ये बात बता दीजिएगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेपर जो है आपको उसके लिए पासवर्ड की नीड होगी जो आपको स्कूल से मिल जाएगा। अपने पेरेंट्स को बोलिएगा कि वो स्कूल से आके पासवर्ड ले जाए आईडी का, और गूगल क्लासरूम की अगर किसी की आईडी नहीं है तो वो भी आके स्कूल से रिसीव कर ले, ठीक है ना। तो अपने पेपर की अच्छी प्रिपरेशन करिएगा और पासवर्ड स्कूल से आके ले लीजिएगा, जिनकी गूगल आईडी नहीं है वो भी स्कूल से आके रिसीव कर सकते हैं, और अपनी वर्किंग चेक करवाने के लिए 5 दिसंबर को वर्किंग चेक करवा दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।